ओम अज्ञानतिम्रांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयीं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। भगवद गीता की उपाधि अध्याय 11 सत्र संख्या 3 में। तो अब हम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं वह है भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म, यानी भगवान का विराट रूप। तो हम भगवान के विराट रूप की चर्चा कर रहे हैं, और अभी तक हमने देखा कि किस तरह से अर्जुन ने भगवान से अपना विराट रूप दिखाने की देखने की इच्छा प्रकट की, और इच्छा प्रकट की उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर आप सोचते हैं कि मैं ये देखने लायक हूँ तो मुझे जो है ये विराट रूप दिखाएं। हमने ये भी चर्चा की कि भगवान का जो विरूप देखने के लिए हमें विशेष चक्षु की आवश्यकता होगी, और भगवान ने विराट रूप दिखाने से पहले अर्जुन को विशेष चक्षु प्रदान किए, और विशेष चक्षु जो है भगवान को देखने के लिए भगवान को समझने के लिए दो तरीका है। एक है प्रामाणिक गुरु के द्वारा और एक भगवान के द्वारा स्वयं। हमने ये भी देखा कि किस तरह से विराट रूप के अंदर अर्जुन ने बहुत सारी चीजें, अनेक हाथ अनेक मुंह इत्यादि देखे, और संजय ने जो है इस 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 जो विराट रूप और जो एक विशेष रूप जो भगवान ने दिखाया इसका समालोचना या लाइव कमेंट्री धृतराष्ट्र को भी कह सुनाया। हमने ये भी देखा कि किस तरह से उस विराट रूप में अर्जुन को भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ दिख रहा था, और एक जो विशेष चीज ये थी कि उस रथ पर जब ये विराट रूप दिखाया जा रहा था तो बाकी लोगों को ये नहीं पता चल रहा था कि ये सब कुछ वहां पे चल रहा है। तो सिर्फ अर्जुन ही उसको देख पा रहा था, बाकी लोगों को यही लग रहा था कि अर्जुन कृष्ण जो है वो सारथी के रूप में बैठे हुए हैं, अर्जुन जो है रथ पे खड़ा हुआ है और दोनों में बातचीत चल रही है, लेकिन ये बाकी लोगों को नहीं पता चल रहा था। ये सिर्फ अर्जुन को दिखाई दे रहा था और उनके गुरु महाराज की कृपा से संजय को दिखाई दे रहा था। तो ये बहुत विशेष बात थी। ठीक है, तो अब जो है हमने देखा कि किस तरह से इस विराट रूप देखने के बाद संजय डिस्क्राइब कर रहे हैं कि विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन किस तरह से नतमस्तक हो रहे हैं, किसके समक्ष, इस विराट रूप के समक्ष, रोमांच के। और हम लोग ने देखा कि इतना विराट रूप, इतना इतना विशाल रूप अगर जब हम देखेंगे तो हमारे अंदर भी क्या उत्पन्न होगा, रोमांच उत्पन्न होगा, और उसी रोमांच की अनुभूति की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि रोमांच जो है अगले स्तर पर और क्या क्या चीज यहाँ पे रोमांचित करने वाला हमारे लिए है। ज्यादा समय जाया ना करते हुए हम लोग श्लोकों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आशा है कि ये सारी चीजें आप लोगों के लाभप्रद होंगी और आपको आध्यात्मिक उन्नति में भी ये बहुत ही लाभ दे रही होंगी, हेल्प कर रही होंगी। हमारा बस यही प्रयास है, ये सारे प्रयोजन का एक ही मंतव्य है, किस तरह से जो है आप लोग भक्ति के मार्ग में लगे, भगवान के नाम का जप करें और अपने जीवन के मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। और इसी इसी सब यही प्रयास है, यही प्रयास लेकर के हम लोग जो है कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, स्वास्थ्य ठीक हो नहीं हो, दिक्कतें हो, सारी चीजों को तज करके त्याग करके हम लोग ये प्रयास करते हैं कि आप सब जो है इस भगवान की भगवद गीता में बताए गए वाक्यों से, वाणी से आप सभी प्रभावित हो, आप सभी जो है आकर्षित हो और भक्ति को अपने जीवन में अपनाएं। इससे हमें कोई लाभ नहीं है, इसे आपको ही लाभ है। और जिस तरह से हमें किसी ने भक्ति में लगाया, हमें भक्ति के महत्व को समझाया, अब वही चीज जो है जैसे हम कहते हैं, वी हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी, सो व्हाट वी हैव टेकन वी हैव टू रिटर्न इट बैक, सो वी आर आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव इट बैक फॉर व्हाट आई हैव गॉट। तो ये हमने जो पाया है, किसी किसी भक्त ने हमारे पीछे समय जाया किया, हमें प्रेरित किया, और वही प्रेरणा और वही उत्साह मैं आप लोगों के अंदर भी देना चाहता हूँ कि आप लोग भी जो है भक्ति को अपने जीवन में लें और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम श्लोकों की श्रृंखला में और श्लोक संख्या 15 पे पहुंचते हैं।
श्लोक संख्या 15 पे तो श्लोक संख्या 15 पे हम लोग पहुंचेंगे अब। जी तो अब जो है श्लोक संख्या 15 से लेकर 31 तक अब अर्जुन जो है अपने अनुभव को शेयर कर रहा है। अभी तक तो उसने उसने विराट रूप में देखा और फिर संजय ने अपने अनुभव को शेयर किया। किस तरह से उसने ये गणना करने का प्रयास किया कि वो भगवान का स्वरूप कितना दैदिप्यमान था। तो हमने देखा कि जिस तरह से छोटा बच्चा जो है किसी चीज की व्याख्या करने में अपने पूरे हाथों को फैला देता है, उसी तरह से संजय उस चीज को बताने के लिए काल्पनिक परिदृश्य के हिसाब से बताता है कि हजारों सूर्य के समक्ष समान वहां पे तेज था। तो अब हम देखते हैं अर्जुन का क्या अनुभव रहा इस विश्व रूप को देखने के उपरांत। तो श्लोक संख्या 15 से 18 में विश्व रूप देखने बाद अर्जुन अपने साक्षात्कार अपना साक्षात जो उसको होता है उसके विषय में बताता है कि वो क्या देख पा रहा है उस विश्व रूप में। फिर 19 से 25 में अर्जुन काल रूप का वर्णन कर रहा है, भगवान के काल रूप का वर्णन करता है। 26 से 30 में अर्जुन भविष्य में होने वाले युद्ध का परिणाम देखता है, वो देखता है कि भविष्य में आखिर होने क्या वाला है। और अर्जुन प्रश्न करते हैं कि आप कौन हैं, जैसे हम प्रश्न करते नहीं यार भाई साहब लंबी लंबी बातें तो कर रहे हो लेकिन आप हो कौन, तब यही प्रश्न अर्जुन भी करता है। तो हम प्रयास करेंगे इस सेक्शन को आज यहाँ पे कवर करेंगे, श्लोक संख्या 15 से 31 तक का सेक्शन जो है आज इस दूसरे सत्र में हम इसको चर्चा करने का प्रयास करेंगे, इसका निरूपण करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं श्लोकों की श्रृंखला में और इसको देखने इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली ये भगवान का विराट रूप इतना विराट है कि ये भगवान के विराट रूप का वर्णन करना ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है हम जैसे मेरे जैसे जो है गिरे हुए और तुच्छ लोगों के द्वारा, क्योंकि ये श्रील प्रभुपाद जी की असीम अनुकंपा है। नहीं तो अगर श्रील प्रभुपाद जी ने इतनी सुंदर टीकाएं ना लिखी होती, श्रील प्रभुपाद जी ने इतनी सुंदर व्याख्या ना की होती, या हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने इस पे इतनी अच्छी व्याख्या ना की होती, तो आज तक जो है ये हम समझ नहीं पाते। आज तक हम विराट रूप की परंपरा जो हम सोचते थे या जिसके विषय में बताया गया था खाली यही समझ में आता था कि बहुत सारे मुंह है, बहुत सारे हाथ है, सब गणेश शिव जी सब उसी में, गणेश हनुमान जी शिव जी जो है उसी में है, यही विराट रूप है। लेकिन ये पहली बार जब मैंने पहली बार जब भगवद गीता को अध्ययन किया तो मुझे लगा कि ये विराट रूप जिसको हम समझते हैं कि सारे देवी देवता इसमें समाहित है, ये कहीं उनसे और बढ़कर है। आप लोगों को भी ऐसा अनुभव हो रहा होगा, अगर ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप लोग ने विराट रूप के बारे में कुछ और सोचा था और अब आपको कुछ और समझ में आ रहा है, तो आप चैट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो वैसा वैसा नहीं था जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम श्लोक संख्या 15 में पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 15, 16, 17, 18 और 19 में अर्जुन अर्जुन अपने रियलाइजेशन को शेयर करना है। तो श्लोक संख्या 15 में क्या कह रहे हैं अर्जुन, अर्जुन वाच पश्यामि देवा देवान देवांस्तव देव देहे सर्वान तथा भूत विशेष संगयान ब्राह्मणम ईशम कमल आसन स्थम ऋषिनाचर सर्वान उरागंच दिव्ययान। अर्जुन ने कहा हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सखों को देख रहा हूं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता है, अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को जिस पर गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन कर रहे हैं देखता है। इस शेष सैया के नाक को वासुकी कहते हैं, अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदक्षाय विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को जहां ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं देख सकता है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ पर एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता था, यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो पाया। तो यहाँ पे अर्जुन क्या देख रहा है, अर्जुन देख रहा है गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल के ऊपर बैठे ब्रह्मा जी को। तो इस सृष्टि को जैसे हम देखते हैं
तो महाविष्णु, तो इस श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में। तो महाविष्णु कृष्ण से महाविष्णु आते, यानी कारणोदक्षाय विष्णु, ये कारणोदक्षाय विष्णु को ही महाविष्णु कहा जाता है। ये कारणोदक्षाय विष्णु या अथवा महाविष्णु जो है कारण सागर में लेटे हुए रहते हैं, और इनकी लेटने की अवस्था में जब ये श्वास लेते हैं तो इनके रोम छिद्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उसके बाद जब ये अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है, फिर ये कारणोदक्षाय विष्णु का एक और विस्तार जो है गर्भोदक्षाय विष्णु कहते हैं, जो गर्भोदक सागर में इस ब्रह्मांड में जाकर के निवास करते हैं। और जब ये वहां पर गर्भोदक सागर में लेटते हैं, और ये किस पे लेटे हुए हैं, ये लेटे हुए रहते हैं वासुकी सर्प पे, वासुकी सर्प ये शयन करते होते हैं, तो इनकी नाभि कमल से, नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है जिसके ऊपर के भाग में ब्रह्मा जी बैठे हैं, और उस जो जो डंठल होती है कमल की, उस डंठल में जो है 14 भुवन है, 14 लोक है, तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पताल भू भुव स्व ब्रह्मलोक तल। ठीक है, ये 14 लोक होते हैं। और फिर भगवान अपना एक विस्तार करते हैं शिरोदक्षाय विष्णु में, जो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, ये जो है ये कण कण में व्याप्त होते हैं। तो अब यहाँ पे ये क्या देख पा रहे हैं, अर्जुन क्या देख पा रहे हैं, सृष्टि की उत्पत्ति को देख पा रहे हैं। जैसा इसके पहले उन्होंने बताया था भगवान ने कि तुम इसमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों देखोगे, तो भगवान इनको सृष्टि की उत्पत्ति भी बता रहे हैं कि यार चलो देखो कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई है। तो वहां पे देखते हैं कि ब्रह्मा जो कमल पे कौन आसीन है, ब्रह्मा जी, और उसके बाद शिव जी, समस्त ऋषियों और सब चीज को वहां पे एकत्र देख पा रहे हैं, सारे देवताओं को। तो सृष्टि जैसे होती है, ब्रह्मा जी जिस तरह से सृष्टि की रचना करते हैं, पूरा जो चीज है, पूरी सृष्टि की रचना कैसे हुई, कौन कौन से तत्व आए, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये देवी देवता वो देवी देवता, सब कुछ के बाद जो है सब कुछ जो है एक ही जगह पे ये देख पा रहे हैं। इसमें ऋषियों मुनियों को भी देख रहे हैं, जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, मरीचि, नारद, याज्ञिकल्प, ये सारे लोगों को वहां पे देख पा रहे हैं। ठीक है, और प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से लिख रहे हैं कि अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ पे एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता है, यह सब भगवान की कृपा से ही संभव हो पा रहा है। तो जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अगर हमें भगवान को समझना है तो भगवान को समझ सकते हैं भगवान की कृपा के ही द्वारा, और उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है भगवान को समझने का। तो भगवान को समझना है या भगवान को जानना है तो भगवान की कृपा से ही समझ और जान सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ है कि हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान की जब इच्छा होगी, कृपा करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी, नहीं, हमें प्रयास करना पड़ेगा। जैसे अर्जुन के केस में भी देखते हैं, तो अर्जुन ने प्रयास किया, अर्जुन ने याचना की, अर्जुन ने पूछा, अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया कि हे भगवान, अगर मैं इसको देखने लायक हूँ तो मुझे ये विश्वरूप दिखाइए, तो इसको कैसे समझे, हमें याचना करनी ही पड़ेगी, हमें रोना ही पड़ेगा। अगर बच्चा रोता नहीं है तो दूध नहीं मिलता उसको, बच्चे को दूध भी पीना होता है ना, तो बच्चा रोता है, अगर बच्चा खेलता रहता है, अगर वो रोए नहीं तो माँ उसको दूध भी नहीं पिलाए। ठीक है, तो उसी तरह से हमें याचना करनी होती है ध्यान आकर्षण करने के लिए कि हे वास्तविकता मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, जिससे आप प्रेम करते हैं उसका ध्यान आकर्षण करते हैं ना, करना चाहते हैं ना, करते हैं तरह तरह से, कभी फूल दे के, कभी क्या दे के, कभी क्या दे के। सो भगवान की कृपा से तो हमें याचना करनी पड़ती है ध्यान आकर्षण करने के लिए। हम अगर कोई हमारे जो जिससे हम प्रेम करते हैं तो हमें उसका ध्यान आकर्षण करते हैं, उसे गिफ्ट ला के देते हैं, उसे कुछ ना कुछ ला के देते हैं कि इसका ध्यान जो है मेरी तरफ लगा रहे, उसी तरह से भगवान का भी हमें ध्यान आकर्षण करना होता है। जो हमारे परम पिता है उसका भी ध्यान आकर्षण करना होता है। तो जो हमारे परम पिता है उनका ध्यान आकर्षण हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारे परम पिता है उनका ध्यान आकर्षण हम उनके पवित्र नामों का जप के द्वारा कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नाम जप जो है, भगवान के पवित्र नामों का जप जो है, बेसिकली हमारे करुण पुकार है हमारे पिता का हमारी तरफ ध्यान आकर्षण करने के लिए। तो ये सिर्फ एक दरवाजा नॉक करने की तरह टक 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 टक, तो हमारे हमारे हाथ में सिर्फ दरवाजा नॉक करना, हमारे हाथ में सिर्फ घंटी लगाना,
किसी से अगर हम किसी से हम बहुत बेदर्दी क्या बहुत ही तीव्रता से या हमारी बहुत तीव्र इच्छा होती है किसी व्यक्ति से बात करने के लिए, तो तब तक हम उसे फोन लगाते रहते हैं जब तक कि वो फोन ना उठा ले। लगाते कि नहीं लगाते, जिससे हम बहुत चाहते हैं और हमसे रूठ गया है, कुछ भी हो गया हो, या हमें बहुत ही कुछ तीव्रता से उससे कुछ जानने जानने की इच्छा हो, या हमारा बहुत ही जरूरी कुछ काम हो, तो तब तक हम लगाते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 40 बार 50 बार, जब तक कि वो फोन ना उठा ले, उसका ध्यान वहां पे ना पहुंच जाए। वो नहीं उठाता तो दूसरे फोन से लगाते हैं, किसी ना किसी तरह से कोई फोन उठा ले। ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आप कभी? अगर हुआ है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसी तरह से हमें भगवान का ध्यान आकर्षण करना है। भगवान का ध्यान आकर्षण कैसे कर सकते हैं हम? बहुत ही सरल तरीका है, हमें सिर्फ उनके नाम का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस तरह से भगवान का ध्यान आकर्षण करते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है कि हम जो है तो क्या होता है कि जब ध्यान आकर्षण करते हैं तो जाके हो सकता है कोई फोन उठा ले। तो उसी तरह से हमारा काम है घंटी बजाते रहना, आज नहीं तो कल वो फोन उठेगा, और जब फोन उठेगा तो मतलब भगवत कृपा हो गई। जब हमारे 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 प्रार्थनाओं में तीव्रता आ जाएगी तो हमारी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। फिर हम आ गए श्लोक संख्या 16 पे। अब श्लोक संख्या 16 में अब भगवान क्या विश्वरूप अर्जुन जो है विश्वरूप के विषय बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं श्लोक संख्या 16 में? अनेक बाहु उदर वक्त्रम नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वत्र सर्वतो अनंत रूपम नानंतम ना मध्यम ना पुनस्त्वा आदिम पश्यामि विश्वेश्वरे विश्वरूपा। तो कह रहे हे विश्वेश्वर हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ पेट मुंह तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप मेरा अंत दिखता है न मध्य न आदि। तो ये क्या दिखा रहा है, ये समझ, ये इससे हमें समझ में आता है कि भगवान जो है भगवान कृष्ण जो है असीम है, उनका ना तो आदि है ना अंत है ना मध्य है। तो जैसा कि हम पहले भी चर्चा की, इसके पहले भी अनेक 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 बहुत बार यूज किया गया था। अनेक का मतलब बहुत बहुत है, इसका कोई गिनती ही नहीं है। तो चूंकि विश्व रूप में सब चर अचर जीव सब कुछ दिख रहे हैं, इसके लिए अर्जुन को क्या दिख रहे हैं? अनेक हाथ, करोड़ों हाथ दिख रहे हैं, मतलब उसकी गिनती ही नहीं है। करोड़ तो हम लोग गिनती कर रहे हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि संजय ने क्या कहा, एक एक ऐसी रचना की कि चलो ठीक है ये बताने के लिए कि 1,000 सूर्य होंगे, उसी तरह से मैं कह रहा हूँ करोड़, मतलब अनंत अनंत हाथ अनंत पेट अनंत मुंह और अनंत आंखें, और वो जगह फैली है सर्वत्र फैली है। तो सर्वत्र फैली का अर्थ है क्या, वो ब्रह्मांड के आखिरी कोने तक वो दिख रहा होगा, मतलब इतनी अनंत है। अनंत का अर्थ ही होता है मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ पे धरती पे फैली है, वो अनंत ब्रह्मांड तक, ब्रह्मांड के सारे लोगों तक वो देख पा रहा है अर्जुन की, इतना है इसका कोई और छोर नहीं है, इतना भयंकर है और जिसका कोई अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है ना मध्य दिखता है ना आदि दिखता है। तो मतलब ये इतना विशाल है कि हम गणना ही नहीं कर सकते कि मध्य कहाँ है अंत कहाँ है और आदि कहाँ है। ये है भगवान का विश्व, ये है, इससे हम समझते हैं कि भगवान जो है कितने महान है। तभी तो भगवान महान है ना, तभी तो भगवान भगवान है, जिसका आदि है जिसका मध्य है जिसका अंत है, तो कैसे वो भगवान है? इसी के लिए तो भगवान को कहा जाता है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो जो सारे कारणों का कारण है वही परम पुरुषोत्तम भगवान हो सकता है। कई बार लोग पूछते हैं अरे कृष्ण के माता पिता कौन है, कृष्ण का कारण कौन है? कृष्ण का कोई कारण नहीं है, इसी के लिए कृष्ण तो सबके कारण है। कृष्ण कृष्ण का कोई स्रोत नहीं है, इसके लिए तो कृष्ण सबके स्रोत है। कृष्ण का कोई माता पिता नहीं है, इसके लिए वो कृष्ण सबके माता पिता है। कृष्ण का कोई भोग कृष्ण कृष्ण को कोई भोगता नहीं है, इसके लिए कृष्ण सब चीज के भोगता है। कृष्ण से बड़ा तपस्वी कोई नहीं है, इसके लिए सब सबसे बड़े तपस्वी है। तो कृष्ण जो है वो यत्र तत्र सर्वत्र है। कृष्ण जो है सारे कारणों के कारण है। कृष्ण जो है सब चीज के नियंता है। कृष्ण जो है सब चीज के नियामक है। और कृष्ण जो है वो सब कुछ है, इसी के लिए कृष्ण जो है भगवान है। ठीक है, तो ऐसा ऐसे व्यक्तित्व जो सब कुछ का कारण हो, जिसका कोई कारण नहीं हो, ऐसे व्यक्तित्व के सामने कोई क्यों नहीं नतमस्तक होगा? अगर फिर भी अगर हम नतमस्तक नहीं हो रहे हैं
तो हम सबसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो नतमस्तक होने का या प्रणाम करने का जो सबसे सरल तरीका है वो है उनके पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 17 में तो कुछ लोग जो है आपको दिखेंगे नहीं, तो कृपया चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं उनको पढ़ दूंगा, ठीक है। तो श्लोक संख्या 17 में भगवान कहते अर्जुन कहते हैं, किरीटानाम गदिनाम चक्रिणीम च तेजो रश्मिम सर्वत्र दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुनिर्निक्षयम समंता दीप्तियानम अर्कधुतिम अप्रमेयम। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुक्तों गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो भगवान अर्जुन यहाँ पे अपनी अपनी अक्षमता को प्रदर्शित करते हुए कह रहा है कि हे भगवान, आपका जो तेज है, आपकी जो चकाचौंध है, आपके रूप का जो तेज है, वो इतनी चकाचौंध है कि मैं देख नहीं, कोई भी देख ना पाए। जैसा कि संजय ने पहले ही इसको परिलक्षित करके बताया कि 1000 सूर्य से अधिक का जो है तेज वहां पे है। अब वही चीज अर्जुन में, आपका शरीर इतना तेजो में इतना प्रकाशवान है कि कैसे जैसे आग लगी हुई हो, प्रज्वलित अग्नि की भांति है, अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति। मतलब एक सूर्य है और समझ लीजिए करोड़ों सूर्य एक साथ आ जाए तो कितना प्रकाश हो जाएगा। एक सूर्य की तरफ आप देखिए, ये जो हमारा सूर्य है इसको हम देखते हैं तो हमारी आंखें चौंधिया आ जाती है, 2 मिनट भी हम नहीं देख पाते सूर्य के प्रकाश को। आप सोचिए, मान लीजिए 1000 सूर्य ले लीजिए, 1000 सूर्य के प्रकाश को आप एक साथ देखिए, आपकी आंख गल के निकल जाएगी, ठीक है, आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन फिर भी इसी के लिए भगवान ने कहा कि अर्जुन स्टार्टिंग में ही अगर आपको विश्व रूप देखना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको विशेष चक्षु लेना पड़ेगा, ट्रांसेंडेंटल आईज। इस भौतिक आंखें तो इतने ज्यादा प्रकाश में आंखें मिला जाएगी, आंखें एकदम निकल जाएगी। तो इसी के लिए आध्यात्मिक चक्षु दिया, और अर्जुन इतने तेज में भी भगवान के रूप को देख पा रहा है तो उसका क्या कारण है कि वो आध्यात्मिक चक्षु से परिपूर्ण है, उसकी आंखें जो है आध्यात्मिक है। तो इसी तरह से जब हमारी आंखें आध्यात्मिक हो जाती है, जब हमारी आंखें जो है प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदय से विलोकयन्ति, जब हमारी आंखों में भक्ति रूपी प्रेम, भक्ति प्रेम रूपी अंजन जब आंखें पे लगा हुआ रहता है तो हमारी जगह किसको देख पाते हैं, कृष्ण को देख पाते हैं। यो मा पश्यति सर्वत सर्वम च मैं पश्यति तस्य अहम् न पश्यामि स च मे न पश्यति। तो हम हर जगह कृष्ण को देख पाते हैं और कृष्ण को हर जगह हर चीज में। तो ये क्यों पॉसिबल होता है, चूंकि हमारी जो आंखें हैं वो गंदगी से, वो कलमश से हमारा हृदय जो है शुद्ध हो गया रहता है, हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह ये सब निकल गया रहता है, और हम जो है पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित जब हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभस्तिनी सुनी चय स्वपाके च पंडित समदर्शिन। तब हम समदर्शी स्तर पे आ जाते हैं जहाँ पे हम सबको समभाव से देखने लगते हैं, जब हम हर विषय वस्तु में कृष्ण की उपस्थिति को देख पाते हैं। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो चाहे कितनी भी विडंबना आए, चाहे कितनी भी झंझावती आ जाए, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, आप कृष्ण भक्ति से विमुख नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपका मन जो है कृष्ण में रम गया है, आपका मन जो है वो कृष्ण के इतर और कोई चीजें नहीं मांगता, आपका हृदय जो है आपकी चाहते जो है सिर्फ कृष्ण है, आप किसी भौतिक चाहतों के पीछे नहीं भागते, आपकी सिर्फ एक ही चाहत होती है कि किस तरह से मैं कृष्ण के सानिध्य में रहूं या कृष्ण के सेवा में सदैव लगा रहूं। तो कृष्ण की सेवा में सदैव लगे रहना कैसे पॉसिबल है, और सबसे सरल तरीका क्या है, उनके पवित्र नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 18 में हम आते हैं। श्लोक संख्या 18 में अर्जुन कहते हैं, त्वम अक्षरम परम वेदितव्यम तवमस्य विश्वस्य परम निधानम धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। तो कहते हैं आप परम आद्य ये वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान है, यही मेरा मत है। तो अब अर्जुन अपना कंक्लूजन देता है और पूरी तरह से कन्विंस्ड हो जाता है कि कृष्ण ही जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसके पहले
अर्जुन जो है वो सिर्फ थियोरटिकल कहता है, परम ब्रह्मा परम धामम पवित्रम परम भवम पुरुषम शाश्वतम देवम दिव्य आदि जय। अब वो थ्री जो है प्रैक्टिकल में तब्दील हो रही है। अब वो ज्ञान जो है, ज्ञान विज्ञान सहितम, जो ज्ञान है अब विज्ञान में परिणित हो गया है। अब वो प्रैक्टिकली बोल रहा है कि अब मैं समझ गया कि आप सब चीज, आप आदि गेय वस्तु है, सब चीज जानने, सबसे जानने वाली वस्तु क्या है, कृष्ण ही है, इस ब्रह्मांड के परम आधार है। तो सातवें अध्याय में भगवान ने कहा कि मत परतरम नान्यात् किष्टितस्ति धनंजय मया सर्वविदं प्रोक्तम् सूत्रे मणि गिड़ाएवा। तो सारी चीज जैसे सब कुछ मेरे ऊपर ही, मेरे ही आधार पे टिकी हुई है, मेरे ही आश्रय पे टिकी हुई है। किस तरह से, जिस तरह से मोतियों की माला उस धागे पे टिकी हुई होती है। तो ये चीजें अभी तक अर्जुन को थियोरेटिकली पता थी कि सूत्र मणि गिड़ा हुआ, कि मतलब हाँ ठीक है, अर्जुन भगवान बोल रहे हैं सूत्र मणि गिड़ा हुआ, सब चीज मेरे ऊपर ही आधारित है, जैसे वो धागा हो मैं सब चीज को होल्ड करके रखा हूं। लेकिन अब उसका प्रैक्टिकल ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान यहाँ पे उसको मिला रहे, यार यहाँ ही दिख रहा है, यार भगवान तो सिर्फ बोल रहे थे, अब मुझे दिखाया भी कि वो सब चीज के आधार है, आश्रय स्थल है। तो वास्तविकता में यहाँ पे ये प्रूव हो रहा है, हेंस प्रूव हो रहा है कि भगवान ही सब चीज के सूत्र मणि गिड़ाई हुआ है। फिर कह रहे हैं आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है, पुराणम पुरातम पुरुष। तो इसके पहले जब भगवान चौथे अध्याय में कृष्ण ने कहा था इमं विवस्वते योगम प्रोक्ता भान अव्यम विवस्वान मनवे प्राह मनोरक्षाक ब्रवीत, कि मैंने ये ज्ञान जो है वो इक्ष्वाकु को भी दिया। तो अर्जुन ने क्या प्रश्न किया, अरे भैया कैसे तुमने इसको इक्ष्वाकु को दिया, हाँ बताओ, तुम तो मेरी उम्र को, मेरे साथ गुल्ली डंडा खेलते थे, मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे, मेरे साथ बैट बॉल खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, ऊंच नीच खेलते थे, पहाड़ पानी खेलते थे, हाँ मेरे साथ तुम ये पत्ते खेलते थे, और तुम बोल रहे हो कि मैं पुरातन पुरुष हूँ। तो भगवान ने कहा था न त्वे वाहम जातु नाशम न त्वनि मे जनाधिपा न च वा न भविष्यामि सर्वे वैता वैमता परम। तो हम लोग पहले भी थे, अभी भी आगे भी रहेंगे, लेकिन ये अर्जुन को समझ में नहीं आया था, और अब ये विराट रूप में समझ में आ रहा है कि भैया जो आपने बोला था वो प्रैक्टिकली सही है, आप ही सबसे पुराने व्यक्ति हो, मैं मान गया भाई साहब जो तुमने बोला एकदम सही है। तो इसके लिए भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान सहितम, तो ज्ञान तो देते ही है, प्रैक्टिकली भी बताते हैं। तो ऐसा नहीं कि लफ्फेबाजी कर रहे हैं, पका रहे हैं, या बोलते हैं फेकम फाक कर रहे हैं, कैसेट मार रहे हैं, ऐसा 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 हो रहा है, नहीं, भगवान जो है भौकाल मार रहे हैं, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, भगवान प्रैक्टिकली उसको दिखा भी रहे हैं। और कह रहे हैं आप सनातन धर्म के पालक भगवान है और यही मेरा मत है। तो ये मत अर्जुन ने पहले भी दिया था, लेकिन वो इतना पुष्ट नहीं था, वो खाली हाँ ठीक है बोला, इसके लिए एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब ये जो मत है ये एकदम पुष्ट वाला मत है कि हाँ बस ये जो बोल रहे हैं एकदम परफेक्टली ऐसा ही है। फिर श्लोक संख्या 19 में हम लोग पहुंचते हैं, अब काल रूप के विषय में 19, श्लोक संख्या 19 से 25 में अर्जुन बता रहे हैं। तो श्लोक संख्या 19 में अर्जुन कह रहे हैं अनादि अनादि मध्य अनंतम अनंत वीर्यम अनंतम बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वम दीप्ति उतास वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। कह रहे आप आदि मध्य तथा अंत के रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं, मैं आपके मुख में प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस पूरे ब्रह्मांड को जलते हुए देख पा रहा हूं। तो भगवान यहाँ पे उसे विनाश के बारे में भी बता रहे हैं, ठीक है। तो सृष्टि की रचना बताएं, सृष्टि का पालन बताएं, और सृष्टि का विनाश भी बता रहे हैं, किस तरह से सृष्टि का विनाश होता है। कृपा जी तात्पर्य में लिख रहे हैं भगवान के शरणेश्वरों की कोई सीमा नहीं है यहाँ पर, तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पढ़ाई पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने पर परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है, यह कोई दोष नहीं है। तो यहाँ पे बार बार चीजों को रिपीट कर रहा है अर्जुन, बार 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 एक ही चीज को दोहरा रहा है। तो ये क्या दर्शा रहा है, प्रभुपाद बता रहे हैं ये दर्शाना क्या है कि जब हम बहुत बार, जब बहुत आनंदित हो जाते हैं या बहुत आनंद आ जाता है, हमें हमारे हर्ष की कोई सीमा नहीं होती, या हम किसी चीज को रिपीट नहीं कर पाते तो शब्दों की सीमा नहीं होती, तो बार 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 रिपीट होता जाता रहता है कि आप आदि मंत्र रहित हैं, इसके पहले उन्होंने दिख नहीं रहा है लेकिन फिर वही दोहरा रहा है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये कोई वो नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है, ये हर्ष का घोतक है, ये रोमांच का घोतक है। और क्या कह रहे हैं, भगवान के जो ऐश्वर्य है वो सीमित है, वो जो शय ऐश्वर्य है वो तो सिर्फ वैसे, बाकी भगवान के अनंत ऐश्वर्य है, ठीक है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं, जाके पहले बताया गया था, चंद्रमा तथा सूर्य आपकी आंखें हैं, भगवान भी कहते हैं कि ये सूर्य और चंद्रमा जो मेरी आंखें हैं, अर्जुन उसी चीज को पुष्ट कर रहा है, आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलने और आपके तेज ब्रह्मांड को जला रही है। तो भगवान ने अब उसको आदि प्रलय सब कुछ दिखा रही है। फिर श्लोक संख्या 20 में अर्जुन कहते हैं
दो दो वा पृथ्वीयो इदम् अंतरम हि व्याप्तम त्वया एकन दिशा च सर्वा दृष्टा अद्भुतम रूपम उग्रम त्वइदम् लोकत्रयम् प्रवस्थितम् महात्मनम्। यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। तो अब जो है अर्जुन बता रहा है कि वो खुद भयभीत है, लेकिन बोल रहा है सब लोग डरे हुए हैं। वो खुद डर रहा है लेकिन अब सबको राम ले। कई बार जो है हम लोग सोचते नहीं है कि एक बार जैसे मेरे ऑफिस में, मैं अपने ऑफिस की बात बताता हूँ, एक बार मेरे ऑफिस में क्या हुआ, हमारा इंक्रीमेंट हुआ, हमारी सैलरी पगार कुछ बढ़ी। ठीक है, तो मैं सिंगापुर में था तो उस समय मेरी पगार जो है, सैलरी जो है $200 बढ़ाया। मेरी जो सैलरी थी उस पर $200 इंक्रीमेंट मुझे दिया। तो मैंने अपने बॉस को पूछा, सबकी $200 बढ़ी है क्या सर पगार? तो बोलता है तू क्या नेता है क्या? उसने मेरे को बोला तू नेता है क्या सबके लिए? तेरा बड़ा तो चुप, तू अपना ले और चुपचाप बैठ। तो मतलब मेरा पूछने का मतलब ये था उससे कि सब लोग की बढ़ी है, ये 200 ही बढ़ी है, उससे ज्यादा बढ़ी है। तो मैं ये नहीं कह रहा था कि सबकी इससे ज्यादा, मैं यही बोल रहा था, मैं इस तरह से पूछा कि सबकी $200 पगार बढ़ी है क्या। तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरह से अर्जुन ये बोल रहा है कि सब लोग भयभीत है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं इस श्लोक में द्वा आ पृथ्वयो तथा लोकत्रम महत्वपूर्ण शब्द है। धरती तथा आकाश के बीच का स्थान तथा लोकत्रयम मतलब तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ना केवल अर्जुन ने इस विश्वरूप को देखा बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन द्वारा विश्वरूप का दर्शन स्वप्न न था। भगवान ने जिन जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान की उन्होंने युधिष्ठिर में इस विश्वरूप को देखा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि अब यहाँ पे त्रियों लोकों के बारे में भगवान अर्जुन कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे टीका में लिख रहे हैं कि और भी लोकों के जो लोग हैं उन्होंने भी इस विश्वरूप को देखा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि और जिसको जिसको भी भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, उन सबने इस विश्व रूप को देखा। तो भगवान के क्या बारे में क्या बता रहे हैं कि सारे लोक में व्याप्त है, भगवान जो है सारे लोक में व्याप्त है और इस भयानक रूप को देखकर सब लोग डरे हुए हैं। तो अर्जुन ने जैसा मैंने बताया, अर्जुन को खुद को डर लग रहा है लेकिन वो दूसरों के ऊपर बिल फाड़ रहा है। अरे वो लोग भी डरे हुए, जैसे हम लोग बोलते नहीं है, जैसे मेरी लड़की है वो पढ़ाई नहीं करेगी, पढ़ाई नहीं करे, मेरा लड़का खेल रहा होगा और वो उसको पढ़ना नहीं होगा, तो बोलेगी अरे वो तो भी नहीं पढ़ रहा है ना, मैं क्यों पढ़ूं? तो उसको नहीं पढ़ना है इसके लिए उसके नाम पे बिल फाड़ रही है कि वो नहीं पढ़ रहा है इसके लिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ। तो इसी तरह से अर्जुन जो है दूसरों के नाम पे बिल फाड़ रहा है, दूसरे लोग डरे हुए, अरे तू भी तो डरा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद अर्जुन जो है श्लोक संख्या 21 में श्लोक संख्या 21 में कह रहे हैं अमि ही त्वाम सुर संग विशंती केचित भीता प्राञ्जलया गृणन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि शिंक संज्ञा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलीभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। इनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण होकर कर वैदिक सूत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि देव सारे देवता काली दुर्गा गणेश हनुमान जी सब जो है किसकी शरण ले रहे हैं, भगवान की शरण ले रहे हैं और वो भगवान के दिव्य दिव्य रूप में प्रवेश करते जा रहे हैं। कुछ लोग जो है वो डरे हुए हैं, त्राईमाम 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 कर रहे हैं। कुछ लोग जो है प्रार्थना करते हुए मंत्रोच्चारण करते हुए जा रहे हैं और महर्षि और सिद्ध के समूह कैसे कर रहा है, वो कल्याण हो जय हो जय हो इस तरह से पाठ कर रहा है। फिर आगे अर्जुन कहते हैं रुद्रादित्यावस्था ये च साधया विश्वे अश्विनो मारुता चा उष्माप च गंधर्वा यक्ष असुर सिद्ध संगया विक्षन्ते त्वं विस्मिता च एव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्यगण वसु साध्य विश्वदेव दोनों अश्विनी कुमार मरुतगण पितृगण गंधर्व यक्ष असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। तो सारे लोग जो देख रहे हैं किसको, भगवान को देख रहे हैं। शिव के विविध रूप आदित्यगण वसु साध्य मतलब सब लोग आश्चर्यचकित है कि यार वो क्या रहा है। फिर अगले श्लोक में श्लोक संख्या 23 में रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु उरुपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्टा लोका प्रवतिति तथा अहम्। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख नेत्र बाहु जंगा पांव पेट तथा भयानक धातु वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। अब वही चीज फिर से रिपीट कर रहे हैं,
मुंह नेत्र आंख बहु जंगा पांव पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर सब अब खुद नहीं बोल रहे हैं कि अभी खुद भी बोल दिया, इसके पहले बोला कि लोग डरे हो, अब खुद भी बोल रहा है मैं भी विचलित हूँ। देवतागण सभी लोग विचलित हैं और मैं भी विचलित हूँ। तो आप लोग विचलित हो रहे हैं क्या? आप लोग को डर लग रहा है क्या? अगर इतना भयंकर रूप देख लिया भगवान का तो चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं आपकी स्थिति क्या होगी। ठीक है, हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ सुन रहे हैं, सोचिए वहां पे प्रैक्टिकली जब हम वहां पे होंगे, अगर ऐसा, अगर तो वैसे भगवान के भक्त जो विराट रूप में उनका इंटरेस्ट नहीं रखते, ठीक है, भगवान के भक्त जो है वो श्याम सुंदर स्वरूप में एंटर सकते हैं। आगे के श्लोक में ये जो है ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर श्लोक संख्या 24 में कहते हैं, नभास्प्रम दीप्ति मनेक वर्णम यातानाम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टा ही त्वं प्रवथि तंतरात्मना अंतरात्मा धृतिम ना विंदामी शम च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से आप को आकाश का स्पर्श करते मुंह फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकालने निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है, ना तो मैं धैर्य धारण कर पा रहा हूँ ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। तब यहाँ पे अब विचलित था, अब उसका भी धैर्य धारण चला जा रहा है कि पहले धैर्य नहीं धारण कर पा रहा था, पहले विचलित हो रहा था, क्यों? सगे संबंधियों के लिए दुख को देख करके, अब भगवान के विश्व रूप को देख करके भी इसका धैर्य चला जा रहा है। अब सोचो कितना अधीर व्यक्ति है, हम लोग का भी धीर चला जाएगा यार भगवान के इतने विशाल विश्व रूप को देखें। तो ज्योतिर्मय रंगों, अलग अलग रंगों से युक्त है और भगवान आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, ब्रह्मांड तक पहुंच गया था आकाश को स्पर्श करने, मुंह फैलाए इतने सारे मुंह है, बड़ी बड़ी चमकती आंखें हैं, और इसको देखकर अर्जुन का मुख जो है मेरा मन विचलित हो रहा है, डर रहा है, धैर्य भी धारण नहीं कर पा रहा हूं, और मानसिक संतुलन ये क्या चल रहा है, उसको ऐसे लग रहा है यार सर घूम जा रहा है। हम लोग का भी कई बार होता है ना, कुछ खतरनाक बातें सुनते हैं तो सर घूम जाता है, किसका किसका कुछ सुन के सर घूम गया है, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या आवक रह गए चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। फिर श्लोक संख्या 25 में, श्लोक संख्या 24 में बता रहे हैं संतुलन नहीं हो पा रहा है, और फिर श्लोक संख्या 25 में बता रहे दृष्टा करालानी चाते मुखानी दृष्टैव दृष्टैव काल अनल सात्रिभानी दिशा न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगत निवास। हे देवेश, हे जगत निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों के देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ, मैं सब ओर से मुहग्रस्त हो रहा हूँ। सोखिए और भी विचलित हो जा रहा है, क्या देख करके? भगवान के विशाल प्रलाग्नि स्वरूप मुख को देखकर, विकराल दांतों को देखकर, और ये अपना संतुलन खो रहा है। अब रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज बहुत हो गया, मैंने बहुत देख लिया। इसके बाद भगवान जो है अब श्लोक संख्या 26 और 27 में बता रहे हैं किस तरह से अब उन्होंने क्या दिखाया, पास्ट दिखाया कि रचना कैसे हुई, ठीक है, फ्यूचर दिखाया कि किस तरह से सब कुछ समाप्त हो रहा है, अब जो है प्रेजेंट दिखाएंगे, अब फ्यूचर उन्होंने पास्ट दिखाया, फ्यूचर प्रेजेंट दिखाया, अब फ्यूचर दिखाएंगे श्लोक संख्या 26 और 27 में। तो हम देख लेते क्या बता रहे हैं श्लोक संख्या में 26 और 27 में। भगवान कह रहे हैं अमीचा त्वम धातराष्ट्र पुत्रा सर्वे सह एव अवनीपाल संगे भीष्मो द्रोण सूत पुत्र तथा असोसा केचित् विलग्न दशन अंतरेषु संदृश्यन्ते हृते उत्तमंगे। धृतराष्ट्र के सारे, भगवान कह रहे अर्जुन कह रहे हैं धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं, उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच घृणित चूर्णित होते देख रहा हूँ। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को फ्यूचर दिखा रहे हैं, फ्यूचर क्या दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो सारे योद्धा युद्ध करने के लिए आए हैं वो किस तरह से मारा जाएगा। प्रोपा तात्पर्य बता रहे हैं, ये पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने का इच्छुक हो तो भी वह उसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीम भीष्म द्रोण कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक नष्ट हो रहे हैं, या इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। यहाँ भी उल्लेख है कि भीष्म भी जिन्हें अवजय माना जाता है ध्वस्त हो जाएंगे, वही गति कर्ण की होनी, ना केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा भी नष्ट हो जाएंगे अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान यहाँ पे
अर्जुन को फ्यूचर भी दिखा रहे हैं कि ये सारे लोग जो है ये सारे लोग भी मारे जाएंगे और विजयी कौन होगा, अर्जुन ही होगा। तो जैसा कि एक बार जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो सारे लोग जो है अपनी अपनी सेखी मार रहे थे, मैंने ऐसा तीर मारा तो मर गया, मैंने इसको मार दिया, मैंने उसको मार दिया, मैंने भाला मार दिया, मैंने चाकू मार दिया, इस तरह से हम विजयी हो गए। तो सब लोग ने बोला कि ठीक है, मैन ऑफ द मैच किसको मिलना चाहिए, ये जो युद्ध हुआ इसमें सबसे भयंकर योद्धा कौन था। तो बोले कौन डिसाइड करेगा, तो सब लोगों ने बोला कि यार कौन डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा। तो उस समय जो है बर्बरीक जो था, बर्बरीक को भगवान ने एक वो जो पहाड़ पे ऐसे लटका दिया था जहां से वो सारे युद्ध को देख रहा था। तो बोले कि ठीक है, बर्बरीक ने जो है सारा युद्ध देखा है, हम चल करके देख लेते हैं कि बर्बरीक क्या बोलता है कि मैन ऑफ द मैच कौन है, किसने सबसे ज्यादा युद्ध लड़ा और किसने सबसे ज्यादा योद्धाओं को मारा। तो सब लोग जाते हैं उधर बर्बरीक से पूछने के लिए, बर्बरीक बोलते हैं ठीक है, बर्बरीक बोलते हैं क्या है भाई, आप लोग किसके लिए आए। तो बोले कि बताओ कि मैन ऑफ द मैच कौन है, किसने जो है इन सारे योद्धाओं को मारा या इनको नष्ट किया। तो बर्बरीक कहता है मैंने 18 दिन युद्ध किया और मैंने एक ही चीज देखा कि सब जगह जो है कृष्ण ही लड़ रहे थे, हर जगह जो है सब लोग मारे जा रहे थे, उनको मारने वाला कोई और नहीं, भगवान का सुदर्शन चक्र ही था। तो सारे योद्धाओं को भगवान के सुदर्शन ने ही मारा। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह से इन लोगों की हो गए। तो युद्ध वास्तविकता में अर्जुन कृष्ण ही लड़ रहे थे, कृष्ण ने ही सारे योद्धाओं को मारा। और क्यों मारा, कैसे मारा, इसका वर्णन हमें आगे मिलेगा कि भगवान ने सारे लोगों को कैसे मारा, किस हिसाब से मारा। कई लोग बेचारे, अर्जुन ने तो तीर छोड़ा था लेकिन उसके पीछे शक्ति किसकी थी, उसके पीछे शक्ति कृष्ण की थी। और इसकी पुष्टि भगवान आगे के श्लोकों में करते हैं, ठीक है। तो भगवान ही जो है सब चीज के नियंत्रण नियामक है, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है कि भगवान के मुख में जा रहे हैं ये लोग योद्धा लोग, इसका ये अर्थ है कि करने कराने वाले ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, ठीक है। तो भगवान ही सारे कारणों के कारण है। वैसे परम पुरुषोत्तम भगवान की शरण कोई क्यों ना ले, ठीक है। हम शरण कैसे ले सकते हैं, उनके पवित्र नामों का जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक संख्या या 28 में अब आगे बता रहे हैं कि किस तरह से ये लोग जो है, ये जो योद्धा है भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, यथा नदी नाम भव अम्बु वेग समुद्रम एव अभिमुखा रवंती तथा तो अमी नर लोक वीरा विशंति वक्त्राणि अभि विज्वलंती। तो कह रहे हैं जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से विभिन्न नदियां जो है वो समुद्र में प्रवेश करती है, उसी तरह से ये देखिए सारे योद्धा जो है जा रहे हैं भगवान के मुख में। यहाँ पे देखिए किस तरह से वो खींचे जा रहे हैं, हम सारे लोग भी जो है इसी तरह से भगवान के मुख में खींचे जा रहे हैं। ये आगे हम चर्चा करेंगे किस हिसाब से, ठीक है। जब भगवान बताएंगे कि वो कौन है तब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम लोग भी खींचे चले जा रहे हैं उसी भगवान के उस बड़े बड़े भयावह मुख में, ठीक है। तो जिस तरह से नदियां जो है समंदर की ओर बहती जाती है, उसी तरह से सारे योद्धा जो है भगवान के मुख में जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कैसा अनुभव हो रहा है वो भी चैट बॉक्स में लिखिए, आप बताइए। तो श्लोक संख्या 29 में भगवान कहते हैं, अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं श्लोक संख्या 29 में कि यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतांगम पतंगम विशंति नाशाय समृद्ध वेगा तथेव नाशाय विशंति लोका स्वापि वक्त्राणि समुद्र वेगा। तो कह रहे हैं कि मैं समस्त लोगों को पूर्ण योग से वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे अब किस तरह से, अब ये सारे लोग किस तरह से, तो दो यहाँ पे रूपक दे रहे, उदाहरण दे रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है वो भगवान के श्रीमुख में जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। जिस तरह से पहली तो बता रहे हैं कि नदी की तरह, जिस तरह से नदी जो है समंदर की ओर भागती है, उस तरह से दूसरी जो है फतिंगे, जैसे शमा है, मैं शमा हूं तू है परवाना, और परवाना जो है शमा में जाके जल जाएगा। तो ये जो जिस तरह से फतिंगे जो है, आप लोग ने फतिंगे देखे होंगे आग में जो है कूद करके, शमा जो है वो परवाने को, आग को देखता है, वो जो ये जो परवाना है, क्या नाम है, ये जो फतिंगा है वो अग्नि को देखता है और अग्नि से आकृष्ट हो जाता है। और अग्नि से जब आकृष्ट हो जाता है तो
इसी तरह से और आकृष्ट होकर के वो उस आग में कूद करके अपनी जान दे देता है। तो उसी तरह से जिस तरह से हम लोग जो है माया की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं, जिस तरह से माया होती है, माया को हम लोग देखते हैं और उसकी तरफ आकृष्ट हो जाते हैं और उसमें जाकर के हम लोग अपनी जान देते हैं। तो माया बहुत अट्रैक्टिव लगती है, जिस तरह से वो फतिंगों को अग्नि बहुत अट्रैक्टिव लगती है लेकिन वो क्या है, जलाने वाली लगती है, उसकी मृत्यु का कारण बनती है। तो हमें माया जो है बहुत अट्रैक्टिव लगती है, जो भौतिक चीजें बहुत अट्रैक्टिव लगती है। तो हमें इन सारे भौतिक अट्रैक्शन से, भौतिक आसक्ति से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही भौतिक आकर्षण जो है हमारे पतन का कारण है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये अट्रैक्शन हमें बुलाता है, ये माया हमें बुलाती है, लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो ये अट्रैक्शन हमें करता है, हमें बुलाती है, आओ आओ कम 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 कम, और हमें क्या करना चाहिए, उसके प्रति अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और अगर हम अट्रैक्ट हो गए तो हमारे पतन का कारण बनेगा। तो एक बार क्या होता है, एक वकील रहता है और उसको मृत्युदंड मिलता है, ठीक है। वो मतलब मृत्युदंड इन द सेंस वो मर जाता है और यमराज के पास जाता है। तो यमराज के पास जब जाता है तो यमराज उसको उसका लेखा जोखा करते हैं, उसको बोलते हैं कि ठीक है, मैंने तुम्हारा लेखा जोखा कर लिया, अब तुम बताओ कि तुम्हारा जो ये तुम्हारा ऐसा है कि तुमने 50% जो है पुण्य किया, 50% पाप किया है, तो ये बताओ कि तुम क्या पहले भोगोगे, स्वर्ग पहले जाओगे या नरक पहले जाओगे। तो वकील है चालाक है, तो बोलता है कि ठीक है मैं डिसाइड करूंगा, पहले तुम मुझे दिखाओ स्वर्ग कैसा होता है, नरक कैसा होता है, उन दोनों को दिखाने के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि स्वर्ग पहले जाऊंगा या नरक पहले जाऊंगा। तो यमराज बोलते ठीक है, तो यमदूत लोग को व्यवस्था बोलते लेके जाओ इसको, स्वर्ग दिखाओ, इसको स्वर्ग और नरक दोनों दिखाओ, ये जो डिसाइड करेगा उस हिसाब से इसके साथ करना। तो ठीक है, तो वो लेके जाते हैं उसको, तो पहले स्वर्ग में ले जाते हैं, तो स्वर्ग दिखाते हैं। तो स्वर्ग में क्या हो रहा होता है, स्वर्ग कैसा रहता है, वहां पे एक बगीचा होता है, बगीचे में आम लदे हुए हैं, वहां पे चिड़िया होती है, चू कू 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 कू, कुछ बच्चे जो है चिल 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 कर रहे हैं, कुछ बटरफ्लाई उड़ रही है, और कुछ लोग जो है जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ लोग जो है अपना बैठ के वहां पे गप छड़ाका मार रहे हैं। तो बोलते हैं ये स्वर्ग है, बोला अच्छा ये स्वर्ग है, ठीक है कोई बात नहीं मैंने देख लिया। फिर बोलते हैं चलो नरक दिखाओ, नरक दिखाते हैं, नरक के लेके जाते हैं। तो वहां पे वो देखता है कि वहां पे बीच है, पटाया है, गोवा है, और वहां पे जो है माता जी लोग दौड़ लगा रही है, बच्चे लोग जो है समंदर में गोते लगा रहे हैं, शिप क्रूज जो है वो चल रहा है, कुछ लोग जो है लेटे हुए ट्रेनिंग ले रहे हैं, सूर्य की रोशनी ले रहे हैं, कुछ लोग दारू शराब पी रहे हैं। बोलते हैं अच्छा, तो उसको नरक में वो दिखता है वो सब। तो बोलते हैं अच्छा, तो उसके पूछते हैं कि वो यमदूत उससे पूछते हैं ठीक है बेटा कहाँ पे जाओगे, पहले स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे। तो बोलता है कि पहले मुझे ना नरक जाना है। तो ठीक है जाओ नरक में, और उसको नरक में छोड़ देते हैं। और जैसे नरक में जाता है अंदर, वैसे खूब चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ, चीटिंग 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 हुआ है मेरे साथ, चीटिंग हुआ है मेरे साथ, चीटिंग हुआ है मेरे साथ। तो बहुत बहुत हल्ला मचाता है, बहुत मार उसको मार पड़ते हैं, धार धूड़ मारते रहते हैं उसको यमदूत लोग, उधर के जो नरक के जो रहते हैं बहुत मारते रहते हैं, चिल्लाता रहता है बचाओ बचाओ, चीटिंग हुआ मेरे साथ, बुलाओ यमराज को बुलाओ यमराज को। तो फिर इतना हल्ला मचाता है, फिर यमराज को आना पड़ता है। बोलते ठीक है यमराज आ गया। यमराज बोलता है क्या हुआ बेटा, क्यों इतना चिल्ला रहे हो। तो बोले मेरे साथ धोखा किया ये लोग ने, यमदूत लोग ने। तो बोले क्या धोखा किया। बोले कि मेरे को तो दिखाया था कि ये ना ये जो है इधर बीच है, नरक में बीच है, वहां पे जो है सब समंदर में गोते लगा रहे हैं, कुछ जो है वाटर राफ्टिंग कर रहे हैं, कुछ लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन ये क्या इधर तो मेरे को मार पीट रहे हैं। तो यमराज ने बोला कि बेटा वो जो तुमको दिखाया था ना, वो नरक का वॉलपेपर था, ठीक है असली तो अंदर है। तो जैसे हमारे मोबाइल में वॉलपेपर कुछ होता है और अंदर कुछ और होता है, उसी तरह से वो नरक का वॉलपेपर था। मतलब ये जोक था कि ये समझाने के लिए कि किस तरह से ये जो माया होती है वो हमें बहुत बुलाती है, लेकिन हम अपनी बुद्धि का दिमाग का उपयोग करना चाहिए। माया बुलाती तो है लेकिन जाने का नहीं, अगर हम गए तो हमारी पिटाई होती है, ठीक है। तो हमें इस पिटाई से बचना है। समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद श्लोक संख्या 30 में भगवान कहते हैं, सॉरी अर्जुन कहते हैं, ले लिहा से प्रसव ग्रस समान समांतम लोकान समग्रम वदने ज्वलादि ज्वलादि तेजो भी अपूर्व जगत समग्रम भाषा त्वा उग्र प्रतपंति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगलने जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से अपूरित करके अपनी विकराल झुलसती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। यहाँ पे अब अर्जुन जो है ये भी बता रहा है किस तरह से विनाश
प्रलय भी मतलब हम कहते नहीं भगवान ही जो है वो सृष्टि और संरक्षण और प्रलय विनाश तीनों के कारण है। तो यहाँ पे उसका भी एक बार अनुमोदन कर रहे हैं कि सभी लोगों को जितने भी लोग दिख रहे हैं उनको निगलते जा रहे हैं। तो ये निगलने की प्रवृत्ति को क्या है, ये समय है, ये समय जो है वो सबको निगल जाता है। हम इस आंखों से जो भी चीजें दिख रहे हैं, हमारा ये सुंदरता, हमारी ये गाड़ियां, हमारा ये बैंक बैलेंस, हमारा ये विला, हमारा ये सदन, हमारा ये अपार्टमेंट, हमारा ये बंगला, ये बंगला, गाड़ी, झुमके, कंगना, ये सब जो है ना, ये सब नष्ट हो जाएगा, हम भी नष्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं रहे बचेगा। जितने हमारे प्रियजन है, हमारा चिंटू, मिंटू, बबलू, सोनू, हमारा बाबू, हमारा अन्नू के पापा, रिंकू के पापा, पिंकी की मम्मी, पिंकी के दादा, उनके मामा, फूफा, चाचा, काका, सब जो है सबका टाइम आने वाला है, ठीक है। तो हमें अगर किसी चीज से बचना है तो उस टाइम से ही बचना है। और हम जितने भी प्रियकर हम सोचते हैं ना सब चीज को बचा लेंगे, हम किसी को भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि हम समकाल से बंधे हुए हैं। और जिस तरह से सारे लोग खींचे चले जा रहे हैं, उसी तरह से हम भी खींचे चले जा रहे हैं। तो ये काल जो है वो मगर के रूप में बताया गया है, मगरमच्छ के रूप में। तो हर चढ़ता दिन और ढलता सूरज जो है हमारे दिन का, हमें 1 इंच जो है काल के अंदर गुजार रहा है। और ये मगर, ये काल रूपी मगर कब हमारा अपना मुंह बंद करेगा हमें कोई आइडिया नहीं है। हम लोग जो है अज्ञानता में सोए हुए हैं। और भक्त लोग चिल्ला चिल्ला के बोले जीव जागो, गोरा चांद बोले, जीव को जगा रहे हैं, जागो, उठो भैया, उठो, क्यों फंसे हुए मगर के मुंह में वो, उससे बाहर निकलो, उससे बाहर निकलो। लेकिन हम निकलना ही नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि हमारा बबलू अभी छोटा है, हमारा चिंटू अभी सेटल नहीं हुआ है, हमारी पिंकी का जॉब नहीं लगा है, हमारा ये नहीं है, हमारा अभी रिटायरमेंट नहीं हुआ है, हमारा बैंक बैलेंस इतना ज्यादा नहीं है, कम नहीं है, इसी चक्कर में हम फंसे पड़े हैं और मगर के मुंह में उसी में पीसे जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो बचेंगे कैसे, जब हम भगवान की शरणागति लेंगे, भगवान को, भगवान की भक्ति करेंगे। भगवान की भक्ति कैसे करेंगे, भगवान के पवित्र नामों का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम आ गए हैं श्लोक संख्या 31 पे। श्लोक संख्या 31 पे भगवान कह रहे हैं, हे देवेश, श्लोक संख्या 31 में अर्जुन कह रहे हैं, आख्या ही में का भवान उग्र रूपो नमस्तुते देववर प्रसीदा विज्ञातुम इच्छामि भवंत माध्यम नाही प्रजनामि तो प्रवृत्तिम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो, आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। अब भगवान से अर्जुन फिर रिक्वेस्ट कर रहा है, दो अब यहाँ पे दो प्रश्न पूछ रहा है बेसिकली। पहले तो भगवान को प्रार्थना कर रहा है कि मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, आपके हाथ पैर जोड़ता हूँ, हाथ पैर जोड़ता है, फिर अगर आप जो है मुझ पे अगर प्रसन्न है तो मेरे दो चीज का उत्तर दीजिए, दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है कि आप कौन है इस उग्र रूप में, ठीक है। अब सोचिए, ये इतना विचलित हो गया है अर्जुन, ये इतना कंफ्यूजिया गया है कि अभी भगवान को, अपने मित्र को ही भूल गया कि यार ये मैंने ही बोला था इस मित्र को अपने विराट रूप दिखाने के लिए। अब विराट रूप जब देख लिया तो इसका सर चकरा गया, यार वो कौन यार, जैसे कई बार होता नहीं यार, हम सोचते हैं यार इसको तो हम लोग ऐसे लल्लू पंजू समझ रहे होते हैं, और ये लल्लू पंजू बहुत महान व्यक्तित्व निकलता है, तो हम लोग सोचते हैं यार बता यार तू है कौन यार, इतना शक्तिशाली, तू मेरा दोस्त तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि तू तो चंटर पंटर, तेरे को तो मैं पीटता था, लेकिन तू तो इतना इतना बड़ा डॉन निकला, यार तू है कौन। तो वही अर्जुन का प्रश्न है कि यार तुम इतने गुस्से रूप में गुस्साए भी क्यों, क्यों गुस्से में हो यार इतना, तुम दांत निकाल रहे हो, सबको खा पी रहे हो, क्या 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 दिक्कत क्या है तुमको, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि इस उग्र रूप में आप हो कौन, और दूसरा कि तुम्हारा गोल क्या है, आपका प्रयोजन क्या है, ठीक है। गुस्सा है वो ठीक है, लेकिन ये गुस्सा होने का कारण क्या है, इससे आप क्या प्राप्त क्या करना चाहते हो, बोलते हैं कहना क्या चाहते हो भाई साहब, आपकी चाहते क्या है। तो अर्जुन जो है यहाँ पे वो सारी चीजें क्लियर करना चाहता है कि आप हो कौन, आपकी चाहते क्या है, आप चाहते क्या हो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस पूरे प्रसंग में किस तरह से भगवान का विराट रूप जो था कितना विशाल है, कितना बड़ा है, कितना बृहद है, और ये किसी का भी सर चकरा नहीं, ये तो अर्जुन की बात नहीं है, अर्जुन तो भी हैंडल कर ले रहा है,
क्योंकि अर्जुन के बाद दिव्य दृष्टि है, दिव्य दृष्टि होने के बावजूद भी इसको वो इतना कंफ्यूज हो जा रहा है। लेकिन हम सारे लोग जिनके पास दिव्य दृष्टि नहीं है उनका क्या हाल होगा, सोचिए। हम सोच सोच कर ही भयभीत हो जा रहे हैं। हम इतना थोड़ा सा दांत थोड़ा सा खून देख लेते, अरे खून, और दौड़ने लगते हैं। माता जी लोग थोड़ा कॉकरोच देख के भागने लगती है चार कोस दूर। अब सोचिए भगवान का विराट रूप कैसे देख पाएंगे। तो भगवान को समझना, भगवान की कृपा प्राप्त करना, ये सब जो है, ये सब हमें हमें सीख, ये जब तक ये हमारे ऊपर नहीं होगी भगवान की कृपा और भगवान के भक्तों का संग, तब तक ये सारी चीजें जो है हमारे लिए उतनी ही भयावह, दुर्लभ या डरावनी ही लगेंगी। जब तक हम भक्ति नहीं करते, जब तक हम किसी व्यक्ति को जानते नहीं है, तब तक हमारे हमको उसके बारे में पूरी तरह से पता नहीं होता कि वो व्यक्ति है क्या, उसकी क्षमता क्या है। भगवान यहाँ पे अपने भक्तों के लिए अपनी क्षमता का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। भगवान हमारे जैसे लोगों के लिए, हमारे जैसे भक्तों के लिए, जिनको 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 जो है भगवान की सत्ता पे कई बार विश्वास नहीं रहता, कई बार हम लोग कई बार जब हमारे जीवन की परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, या कई बार ऐसा होता है कि हमारी मनचाही मुरादे पूरे कर दे माँ, हलवा पूरी चढ़ाऊंगी, जब हमारा मनचाही मुरादे पूरी नहीं होती तो हम हलवा पूरी नहीं चढ़ा पाते। हम सोचते यार कि मेरे मन की बात तो हुई नहीं, मैं कैसे हलवा पूरी चढ़ा दूं। तो इसी तरह से तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मनचाही मुरादे पूरे करने में भी भगवान जो है सक्षम है। जैसा कि भागवतम में कहा गया है, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारदी तीव्रेना भक्ति योगेना याजते पुरुषम परम। तो हमें क्या करना है, चाहे कोई इच्छा हो, चाहे भौतिक इच्छा ना हो, कुछ भी हो, हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाना चाहिए, कृष्ण की ही शरण में जाना चाहिए। जब हम कृष्ण की शरण में जाएंगे, कृष्ण की शरण लेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे, तो हमारी सारी जो इच्छाएं हैं भगवान पूरा कर देंगे। भगवान भगवद्गीता में कहते भी हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जन परिउपास्ते तेषां नित्य भृत्यानां योगक्षेम माम। तो भगवान हमारी गारंटी देते हैं कि अगर अगर कोई अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मेरी भक्ति करता है, तो उसके पास जो है उसका मैं संरक्षण करता हूँ, और जो उसके पास नहीं है उसको मैं उसको पहुंचाता हूँ। तो आप सोचिए कि भगवान जो है कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने अर्जुन को ये अर्जुन को पुष्ट करने के लिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा वीर हूँ, बहुत बड़ा योद्धा हूँ, अर्जुन को प्रमाणित करने के लिए नहीं उन्होंने ये सब विश्व रूप दिखाया। ये हम सारे जैसे मूर्ख लोगों को प्रमाणित करने के लिए, बताने के लिए कि अपनी महानता को भगवान को प्रदर्शित करना पड़ा। तो हम लोग बोलते हैं ना, अगर भगवान यहाँ पे आ जाए तो हम लोग प्रूफ मांगेंगे, अरे भगवान कैसे भगवान हो यार तू। तो भगवान अपनी अर्जुन की रिक्वेस्ट पर भगवान ने अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन किया, और अर्जुन ने क्या देखा, एक विशाल, एक कभी ना सोचे समझे और जाने जा सकने वाले रूप को देखा, जो कि जो रूप, जो सत्ता, वो क्या है, वो सारे सृष्टि का आदि मध्य और अंत है। जो सत्ता वो सारे सृष्टि के संरचना का, उसके पालन का, उसके संहार का कारण है। वो सत्ता जो है सब चीज की आधारशिला है। सब चीज जो है चर अचर जगत में जो भी चीज आप देख पा रहे हैं, जो भी विश्व वस्तु आप देख पा रहे हैं, उसकी आधारशिला क्या है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और सब चीज के नियंत्रक, नियामक, कंट्रोलर भी कौन है, भगवान ही है। तभी तो जब नियंत्रक, नियामक, कंट्रोलर है, तभी तो सारे देवता है, सारे देवी देवता है, सारे ऋषिगण, सारे ऋषिगण सब जगह जो एक ही जगह पे दिख पा रहे हैं, और सारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी सब चीज दिख पा रहा है। और भगवान जो है वो उनका कोई आदि नहीं है, कोई मध्य नहीं, कोई अंत नहीं। भगवान जो है सब चीज के कंट्रोलर है, बाकी उनका कोई कंट्रोलर नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान जब इस धराधाम पे आते हैं तो माया से कैसे, माया उनको कंट्रोल करने लगती, नहीं, भगवान जो है माया के द्वारा कभी कंट्रोलित नहीं। भगवान जो है सब चीज के, भगवान जो है सर्वशक्तिमान है। शक्ति जो है कभी भी शक्तिमान को कंट्रोल नहीं कर सकती, शक्ति जो है वो शक्तिमान के अंडर रहती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए, हमें ये आज के प्रसंग से, या आज पिछले दो, कल और आज में जो हमने सुना, समझा, जाना, तो उससे हमें ये तो क्लियर ही हो जाना चाहिए कि हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है वो भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। और अगर हम अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम अपने बहुमूल्य समय का जाया कर रहे हैं किसी अन्य इतर चीजों में, तो हम जो है, अगर हम कहीं अभी भी प्रयासशील है, प्रयत्नशील है, कहीं और आत्मसाक्षात प्राप्ति के लिए, आत्मसाक्षात्कार प्राप्ति करने के लिए, या और कहीं हम प्रयत्नशील है कुछ प्राप्त करने के लिए, तो हमें उसको त्याग देना चाहिए और जो है बड़े ही विनम्रता से, बड़े ही प्रेम से जो है भगवान के शरण लेना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगना आना चाहिए। तो भगवान की भक्ति में लगना कोई बहुत डिफिकल्ट कार्य नहीं है। भगवान हमसे बहुत कुछ नहीं मांग रहे, भगवान हमसे सिर्फ मांग रहे हैं हमारा समय, हमारा कमिटमेंट, और
कमिटमेंट किस रूप में? कमिटमेंट उनके नाम के जप में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें सिर्फ भगवान को लगातार घंटी मिलाते रहना है, ट्रिंग 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 टंटनाते रहना, टंटनाते रहना है। कब कब वो कृपा देंगे उनके ऊपर ही, जैसे उन्होंने अर्जुन को कृपा दी, अर्जुन ने मांगा, अर्जुन ने चाहत की। तो हमारी चाहत क्या होनी चाहिए कि मैं सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहूं, मैं सदैव कृष्ण को याद रखे रहूं, मैं कभी कृष्ण को ना भूलूं और सदैव कृष्ण के भक्तों की सेवा में लगे रहूं। तो भगवान भगवान की कृपा जो है भगवान के भक्तों के द्वारा आती है। तो हमें जो है भक्तों का संग, भक्तों की कृपा, इन सारी चीज की अभिलाषा जो है हमें सदैव रहना चाहिए। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो है अपने 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 तरीके से जो है भगवान भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति जो है भगवान की कृपा से ही की जा सकती है, और वो कृपा आएगी जब हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे इस सत्र को हम समाप्त करते हैं, श्लोक संख्या 31 पे। कि आज अर्जुन के प्रश्नों से ये समाप्त हुआ, अब इसका उत्तर जो है भगवान कौन है, भगवान का प्रयोजन क्या है, वो व्यक्ति कौन है जो विराट रूप दिखा रहा है, उसका प्रयोजन क्या है, हम अगले सत्र में सीखेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप प्रतिदिन जो है कम से कम 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और एक श्लोक भगवद्गीता का अवश्य पढ़िए प्रतिदिन। धन्यवाद होता आपके साथ। कुछ आपको प्रश्न हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं, और उसका निरूपण निराकरण करने का मैं प्रयास करूंगा। तो यही पे सबको समाप्त करते हैं। भगवद्गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद, हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा दंड प्रणाम।